नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज कोरोना वायरस इसको लेकर पूरे देश में या कह लीजिए पूरी दुनिया में एक दहशत का माहौल बना हुआ है, या कह लीजिए कि ऐसा डर का ऐसा माहौल बना दिया गया है कि हर आदमी डर रहा है। हमारे यहाँ पे मुंबई में कह लीजिए कि कुछ टाइम पहले, जो आज से शायद 6-7 साल पहले लोग बम सुन के डर जाते थे, वैसे ही आज कोई छींकता है, खांसता है तो उसको देख के लोग डर जाते हैं। जिस तरह से कुछ टाइम पहले बम का नाम सुनते ही लोग डर जाते थे, वैसे ही आज अफरा तफरी मच जाती है कोई अगर छींकते हुए खांसते हुए किसी को देख लेते हैं तो। इतना ज़्यादा डर का माहौल बन गया है। देखिए, इससे सावधानी रखनी चाहिए। एक वायरस है, ये एक नया वायरस आया है, तो इससे थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं है। साइंटिस्ट भी अभी रिसर्च कर रहे हैं कि किस तरह से ये ज़्यादा फैल रहा है, किस तरह से इसकी रोकथाम की जाएगी। बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी तो इसलिए इसने इतना नुकसान कर दिया, लेकिन अभी काफ़ी लोगों ने इस पर काबू पा लिया है। चाइना ने भी काबू पा लिया है और हमारे देश में भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। इस पर हम काबू पा लेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। थोड़ी सी सावधानी रखनी है, गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, हमें साथ देना है बस, तो इस पे काबू पा लेंगे। तो इसलिए इससे डरने की जरूरत नहीं है, सावधानी रखनी है आपको, लेकिन डरना नहीं है। लेकिन अभी ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि कुछ ऐसी घटनाएं हो रही है जो कि बहुत ही शर्मसार करने वाली, इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटनाएं हो रही है कोरोना वायरस के डर से। देखिए, ऐसा बहुत सी घटनाएं हुई है जिसमें हम अमानवीय व्यवहार किया गया है जो सर्दी खांसी से पीड़ित लोगों के साथ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। याद रखिए कि अगर आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए किसी के साथ सर्दी खांसी है, उसको आप ऐसा बिल्कुल छोड़ दें, उससे डर जाएं, उसको घर से बाहर निकाल दें, ऐसा मत कीजिएगा। देखिए, अभी कुछ टाइम पहले की घटना मैंने अभी सुनी थी कि यूपी में हॉस्पिटल में सर्दी खांसी ऐसा कुछ सिम्टम थे जिसकी वजह से व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उसके घर वाले उसकी डेड बॉडी को छोड़कर भाग गए। कितना शर्म की बात है ये। इसके अलावा कुछ अभी पेपर में एक घटना पढ़ रहा था कि 4-5 दोस्त एक रूम में रहते थे, उसमें एक को सर्दी खांसी काफ़ी हो गया, सर्दी खांसी बुखार हो गया और उसको छोड़कर लोग भाग गए, उसको ऐसी हालत में छोड़कर लोग भाग गए। तो ये बहुत शर्मसार करने वाली घटना है, हमें बचाव रखना है, लेकिन ऐसे भी अमानवीय व्यवहार नहीं करना है क्योंकि ये वायरस है, ये आज उनको हुआ है तो कल आपको भी हो सकता है। ये किसी को नहीं छोड़ेगा, होगा तो आपको भी हो सकता है। तो इसलिए इसके साथ, किसी के साथ इस तरह का व्यवहार बिल्कुल मत कीजिएगा, सावधानी रखिएगा। ऐसा नहीं कि सभी को सर्दी खांसी वालों को कोरोना से कोरोना ही हो गया है, तो इसलिए इतना अमानवीय व्यवहार बिल्कुल मत कीजिए। हो गया है, हमें सावधानी रखनी है, उनके साथ सिंपैथी दिखानी है। नहीं तो कुछ लोगों को मैंने सुना कि सर्दी खांसी होने की वजह इतना डिप्रेशन हो गया कि उनको हार्ट अटैक आ सकता है। कुछ लोगों को हार्ट अटैक शायद आया भी, एक आध घटना सुनने को भी मिली है कि उसके डर से उनको हार्ट अटैक आ गया है। कुछ लोगों को इतना डर होता है कि अभी मेरे को लोगों ने बाहर निकाल दिया, डिप्रेशन में चले जा सकते हैं कि कहीं मेरे को कोरोना वायरस नहीं हो गया। सर्दी खांसी वालों को हम लोग इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं आज, हम लोग आम पब्लिक जो कर रही है उसको ऐसा हम साबित कर रहे थे कि अरे तुम्हें तो कोरोना वायरस ही हो गया है, और वो डिप्रेशन में या उसके हम ऐसा बार बार हर आदमी ऐसा बोल बोल के उसको सही में कोरोना वायरस के सिम्टम दिखने लग सकते हैं। जिस तरह से हम पॉजिटिव थिंकिंग से आदमी ठीक होता है, इफेक्ट पड़ता है, उसी तरह नेगेटिव थिंकिंग का भी फर्क पड़ता है। जब हम उसको प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, हर आदमी बोला रहे तुम्हें कोरोना वायरस तो नहीं हो गया, तुम्हें कोरोना वायरस तो नहीं हो, सर्दी खांसी, तो उसको वो सिम्टम दिख सकते हैं। ऐसा साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, ऐसा हो सकता है, या वो डिप्रेशन में जा सकता है व्यक्ति। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, हर सर्दी खांसी कोरोना वायरस नहीं होगी, तो उसके लिए दिखाइए, चेक कीजिए, उसका वो कीजिएगा। और कोरोना वायरस के लिए किनको डरने की जरूरत है, जिन लोग जो सीनियर सिटीजन हैं, 60 साल से ऊपर लोग हैं, उनके लिए तो कोरोना वायरस खतरनाक हो सकता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वीक होती है। छोटे बच्चों को जिनकी इम्यूनिटी, यानी कि जिनकी इम्यूनिटी वीक है, जिनको अस्थमा की, सांस की, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, उनको भी खतरा हो सकता है। जिनको डायबिटीज बहुत हाई लेवल पर रहती है, किडनी खराब है, उनके लिए खतरा हो सकता है कोरोना वायरस की वजह से डेथ जैसी संभावना या गंभीर स्थिति बन सकती है। तो उन लोगों को थोड़ी ज़्यादा सावधानी रखने की जरूरत है, लेकिन हमें अमानवीय व्यवहार नहीं करना है। सीमा में रहते हुए उसके लिए गवर्नमेंट ने जो अच्छे किए इंतजाम, हमें उसमें उनके साथ शरीक होकर साथ देना है, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा मेरा। और इसके अलावा जो हमें इससे बचने का तरीका तो आपको मालूम ही है, सबको मालूम है कि हमें हाथ धोना चाहिए बार बार, जैसे हम बाहर से गए, बाहर से आए, कुछ खाने से पहले हाथ धोने की हैबिट डालिए।
मुंह पे, यहाँ पे आंखों में हाथ मत लगाइएगा जब आप बाहर हैं, या कुछ आपको ऐसी जगह लगता है कि आपके हाथों में कीटाणु हो, या हैबिट छोड़ दीजिए और छींकते टाइम आप हैंकी लेके जाइए, मास्क लगा के चलिए। अगर आपको हल्की सर्दी खांसी हुई है तो मास्क लगा के चलिएगा। और ये चीज़ें हमें आज ही कोरोना वायरस के डर से नहीं करना है, ये हमें हमेशा के लिए अपनाना है। हो सकता है कोरोना, अगर ये हमने हमेशा के लिए अपना ली तो हो सकता है कोरोना वायरस के डर की वजह से हमारा देश में बहुत फायदा हो जाएगा। कोरोना वायरस को तो हम कंट्रोल कर ही लेंगे, लेकिन उसकी वजह से अगर हमने ये चीज़ें अपना ली, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो हमारे देश की हेल्थ में बहुत सुधार होगा। हमारे देश के जो लोगों की स्वास्थ्य है, उनकी हेल्थ है, उन लोगों की हेल्थ में बहुत सुधार होगा जब हम ये हैबिट्स डाल लेंगे। इस बीमारी में, बहुत सी बीमारी में आने वाले टाइम में बहुत फ़ायदा होने वाला है। अगर आप ये हैबिट डाल लीजिए, जो आप देखते हैं कि कम पढ़े लिखे गरीब लोग हैं, उन लोगों में हाथ धोने की आदत बिल्कुल नहीं होती है, तो उनको बताइए, आप उनको अवेयर कीजिए। किसी भी कोरोना वायरस के डर से नहीं, आपको हमेशा हैबिट बना के रखनी है, इससे आप बहुत से वायरस से, बहुत सी बीमारियों से बचे रहेंगे। साफ़ सफाई से इसमें कोई बुराई नहीं है, एक अच्छी चीज़ है। और ये हमारे देश में अगर हमने सबने ये चीज़ अपना ली, साफ़ सफाई की, हाथ धोना, बहुत से तेज मैं देखता हूँ हमारे देश में हाथ धोते नहीं, बाहर से आए खाने लगते हैं और टॉयलेट करके तक हाथ नहीं धोते, बहुत गलत बात है। तो उसको हमें अपना लेना चाहिए, चाहे इसके डर से अपना लें, तो उससे हमारे देश के लोगों की हेल्थ में बहुत सुधार होगा। आने वाले टाइम में बहुत फ़ायदा होगा, सबकी हेल्थ अच्छी रहेगी अगर ये चीज़ें अपनाते हैं। इसके अलावा उसमें योगा करना, एक ये भी इसके डर से ही अपना लेते हैं, तो एक अच्छी चीज़ है, कोई बुरी चीज़ नहीं इसके डर से। मतलब कि ये डर के आके जीत वाले बात है। इम्यूनिटी बढ़ाइए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेद में आपके पास बहुत अच्छी चीज़ है। कोई भी वायरस से लड़ने के लिए आपको इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए, और इम्यूनिटी के लिए एक्यूप्रेशर बहुत अच्छा है। मैं बहुत से पुराने वीडियोज़ में इम्यूनिटी के बारे में आपको बता चुका हूँ। आयुर्वेद में भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, कुछ प्रोडक्ट के बारे में मैं पुराने वीडियोज़ में बता चुका हूँ, आप उनमें जाके देखिए। तो आपकी इम्यूनिटी आप स्ट्रॉन्ग करते रहिए किसी भी वायरस से। अगर आपको लग लड़ना है या दुश्मनों से लड़ना है, तो आपका डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो आप उसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सावधानी रखनी है। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा अपना और डरिएगा मत। लोग ऐसे लोगों को सिंपैथी की जरूरत है। अगर सर्दी खांसी हुई तो ऐसा नहीं है कि सबको ही कोरोना वायरस हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए डरिए मत, इतना ज़्यादा डरिए मत, थोड़ा ध्यान रखिएगा, सावधानी रखिएगा। इस पर हम बहुत जल्दी, एक वायरस ही है, इस पर हम काबू पा लेंगे। हमारी गवर्नमेंट, हमारे देश की गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, इस पे काबू पा लिया जाएगा, बहुत जल्दी इस पे काबू हो जाएगा। तो इसलिए डरिए मत, ऐसा कुछ नहीं कि इससे परले आ जाएगी, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ऐसा जो माहौल बन रहा है सोशल मीडिया पे, अफवाहें चल रही है, वो उस पे ध्यान मत दीजिए, कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ एक वायरस है, ऐसा वायरस पहले भी हमने सामना किया, तो अभी भी हम सामना करेंगे, और इस पर बहुत जल्दी विजय पा ली जाएगी। कुछ भी वजह से हुआ उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इस पर विजय पा ली जाएगी। तो डरिएगा मत, स्टे हेल्दी, थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं बहुत सारे आपको एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ, जिसकी वजह से आप अंग्रेजी दवाइयों से छुटकारा पा सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे बहुत से पुराने वीडियो भी आपको देखने को मिलेगा अगर आप सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू वेरी मच।